गाइस मेरे पास आ चुका है बजाज का 80 एक्सपोर्ट टोस्टर। सो इसकी मार्केट में प्राइस अराउंड 1500। अब इसको ओपन करेंगे और देखेंगे कि ये कैसा है। सो लेट्स ओपन। इसका पैक हटा ही दिया था मैंने पहले से। तो ये इस फॉर्म में है, साइड में कर लेते हैं। और ये हमारा टोस्टर रेडी है। बजाज का आई थिंक मार्केट में सबसे बेस्ट है, तो ऐसे ट्राई करेंगे। इसे प्लग इन कर देता हूँ। तो भाई जी हमने सेटअप कर दिया है। इस पर ये कवर है, इसे निकाल के हमें यहाँ पे ब्रेड डालनी होगी। और ये डी हीट लेवल है, ये हमने 4 पे सेट कर दिया है। और ये स्टॉप बटन है, जब हम चाहते हैं कि ब्रेड हमारे हिसाब से अगर उस लेवल का टोस्ट हो चुकी है तो हम स्टॉप दबा के ब्रेड को निकाल सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ है, ये पीछे जब आपका पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए, सब कुछ टोस्ट हो जाए ब्रेड, उसके बाद जितने ब्रेड चंक्स अगर आपको साफ करना, तो वो उस पर नीचे यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, तो आप इसे निकाल के साफ़ कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें ब्रेड डाल के दिखाएंगे ये एक्चुअल में कितना एफिशिएंट है। फिर हमें ब्रेड लिया है, ये मीडियम साइज ब्रेड है, तो अकॉर्डिंग टू इसके साइज़ के हिसाब से हम लेंगे। तो गाइस ये ब्रेड हम उसमें डालने जा रहे हैं, बट देखिए हमने इसे ब्रेड में डाला और हम इसे लॉक करेंगे तो ये लॉक नहीं हो रहा है। क्यों लॉक नहीं हो रहा है? क्योंकि इसकी मेन पावर ऑफ है। जब हम ये स्विच ऑन करेंगे, फिर से नीचे करेंगे, तब ये लॉक होगा। तो इसका ये प्रोसीजर है, पहले ऑन करना है तभी ये लॉक होगा, वरना ये लॉक नहीं होगा। गाइस ये टोस्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं ये तो प्रॉपर टोस्ट हुआ है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा एंड बाकी, आप इसे फिर से डाल सकते हैं। और जैसे ही आपको लगे कि अंदाजे से कि हो चुका है, तो आप इसे स्टॉप बटन दबाएंगे तो ये फिर से बाहर आ जाएगा। सो आई थिंक ये सफिशियंट है, मोर देन इनफ है, काफ़ी टोस्ट हो चुका है। तो हम इसे निकाल लेंगे और कुछ नहीं करना है। जैसे ही हुआ ये ऑटोमेटिक शट ऑफ हो गया, बस आपको यहाँ से स्विच बंद कर देना। सो काफ़ी ईजी और काफ़ी हैंडी है। So it's value for money, you can go for it.